अरे चंगेजी, हमारा नाम बीबीएम यानी कि ब्रिज बंसी मिश्रा, लेकिन हमें अपना बंसी बजाने का शौक नहीं है। ये दोनों सूरज बाबा के आदमी हैं, ये सलीम, ये गंगू, इन दोनों को यहाँ क्यों लाए हो? ताकि हड्डी के पीछे पीछे कुत्ता भी भागता हुआ चला है, समझा? ओ बीबीएम सेठ, एक बीबीएम हमने भी कर दिया है सूरज बाबा को। और बहुत हो गया ना तेरा सिंग सॉन्ग आ रहा अभी करने को तेरा डिंग डोंग टैं। भाग ब्रजवा भाग। सूरज हीरो की तरह एंट्री मारता है, अपने आप को हीरो समझता है क्या? नहीं। अरे चंगेज, हमको इनके पर शक होने लगा है। चूहा खेलने का इतना शौक पालता है तो हारे हुए पैसे लौटाने की नियत तो रख। चल बीबीएम सेठ। सूरज पंच लाइन तो अच्छी मारता है, अब पंच भी देख ले।
चंगेज भाई, आपके आदमी मार खाए जा रहे हैं और आप यहाँ पे टांगे फैलाकर ठंगड़ी खाए जा रहे हैं। जस्ट सही, जब चंगेजी हो खड़ा दुनिया से बड़ा। सलीम, वो अपने इब्राहिम चाचा की बेटी की शादी है तो उनको 3 लाख रुपए पहुंचा देना। रथोड़ी, वो लड़के का क्या नाम था जिसको MBA के लिए प्रॉमिस किया था? दिनेश। हाँ, उसको 2 लाख रुपए दे देना। गाली क्यों दे रहा है? कौन सा डैमेज? सही तो बोल रहा है ना वो, हम तेरे को म्युनिसिपैलिटी के कचरे के पेटी में मिले सारे पैसे समाज सेवा में दे रहा है तू। ये सूरज, ये तेरा हमेशा रोज कर रहा है यार। हाँ ना बे, हम लोग की मेहनत मारपीट की कमाई तू गरीबों में बांट रहा है। देख सूरज, हमको हमारा शेयर चाहिए। अरे हाँ। बंगाली, तू क्या रिलायंस में इन्वेस्ट किया था जो शेयर की बात कर रहा है? तू करेगा क्या पैसे का? अरे पार्टी करेंगे यार, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ सूरज, क्या बोलता मंगिया? ऑफ मार्केट जगह पार्टी, तो चलो। गाइस लेट हो गई, मैं अभी ना इस सचिन चिपकू या कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? गॉड, मेरे डैड का भी डैड है वो। आई टोल्ड हिम इट्स ओवर बिटवीन अस। यू मीन तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड हो गया? हाँ या डा, अगले महीने मैं पेरिस जा रही हूँ, एक्सेस पैकेज नहीं ले जाना। आई जस्ट वांट टू बी फ्री। हे राधा, बाहर का दरवाजा बंद कर। ए ए मैनेजर, ए जा एम्बुलेंस का फोन कर। की तो मैं बहुत डैमेज होने वाला है भाई। Thank you. Deka? तुम सबको है ना सस्पेंड कर देना चाहिए। तुम लोगों ने उसे अकेले जाने कैसे दिया? सर आप ही ने तो। हाँ मैंने कहा था कि राधा अकेली कहीं नहीं जाएगी। अरे बोल दे गई अब। धीरज,
क्या? यस यस डैड, आप लोग बताइए हुआ क्या था? डैड कितना परेशान थे? मैंने तो बताया था। अरे ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा, तुमने सिर्फ डैड का ही नहीं हम सबका यकीन तोड़ा है। धीरज साहब जी, बहुत बुरे एक्टर हो तुम। मैं जी? और तुम भी? और तुम क्या निरूपा रॉय बनी हुई हो? डैड डैड चिल ना डैड, प्लीज एक बार इन सिक्योरिटी वालों की तरफ देखो डैड, इनको मेरे साथ देखकर मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं हाथी मेरे साथी। ओ ये गलत है। नो डैड, इफ यू वांट मी टू यूज सिक्योरिटी देन एट लीस्ट गेट मी सम कूलर हिप गाइस। आप लोग चलिए। थैंक यू वेरी मच डैड। ओ डैड क्या है? सॉरी। हां I promise मैं कल से सिक्योरिटी रख लूंगी, no matter how they look. वैसे भी मैं आईजी साहब की बेटी हूँ, मैं कोई पाशा वाशा से थोड़ी डरती। आईजी श्रीकांत माथुर के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। मुंबई हाई कोर्ट आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सूर्यकांत पाशा रानडे केस में चार्जशीट सुनेगी। पाशा पर जाने माने जर्नलिस्ट समय पाटिल की हत्या का आरोप है और श्रीकांत माथुर ने इस केस को लेकर अपने 40 साल के करियर को दांव पे लगाया है। क्या सूर्यकांत पाशा बच पाएंगे? Chalo. We have just confirmed that Mumbai High Court has issued a section 302 against Pasha for first degree murder. Is case ki agli sunwai 18 February ko hogi. पाशा का कहना है कि आप उन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या ये सच है? और आपको क्या लगता है कि अदालत मेरे या पाशा के कहने पर अपना फैसला तय करेगी? वो चाहती है सबूत जो मुंबई पुलिस के पास है, मुझे हम 18 फरवरी को पेश करेंगे। ओके एक सीनियर जर्नलिस्ट की हत्या हुई है और मुंबई पुलिस के आईजी श्रीकांत माथुर खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं। आईजी श्रीकांत माथुर एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है, बहुत ही सम्मानित ऑफिसर है, अभी धूमधाम से रिटायर होना चाहते हैं, मगर जो केस इन्होंने चुना है वो गलत है। समय पाटिल मर्डर में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। चैन आईजी के पास आकर है क्या? पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा हूं, जहां पैसा खिलाना था पैसे खिलाया, प्रेशर डालना था प्रेशर डाल दिया, लेकिन ये आईजी है कि ईमानदारी का पिल्ला लगाकर हमारी आखिर छिपा क्या रहा है? अब टाइम आ गया है उसे बुलाने का, मैंने तुझे रोक कर रखा था, लेकिन इस आईजी की ईमानदारी का पिल्ला खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ छीना जा सकता है, और यह काम सिर्फ वो कर सकता है, अपना सूरज। चला पूरे चला। क्या रे सूरज, अपने बाबा के लिए टाइम नहीं है तेरे पास, और डिस्को विस्को में हीरोगिरी कर रहा है तू? अरे नहीं बाबा, मैं मजाक कर रहा हूं, बैठना यार। बड़े दिन हो गए तुझे देखे हुए, और तेरी हंसी तो भूल ही गया रे। और देख, साला भी नहीं हुआ, जब ये छोटा था ना
मैं डेली ट्राई करता था, डेली फेल होता था और साला ये डेली मेरे पर हंसता था। माँ, बहन मानता था तेरी माँ को, बहुत तंग करती थी वो मुझे, रोज आकर कहती आज इसकी मदद करनी है, आज इसकी मदद करनी है, अपने से ज्यादा हमेशा दुनिया की फिक्र थी उसे। इब्राहिम की बहन की शादी, दिनेश का MBA, पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। हाँ बाबा, लेकिन ये सब जानता हूं, निकलना है यहां से बहुत जल्द। मेरा एक काम करेगा सूरज, तुम? अच्छा तो तुम्हें भेजा डैन ने मेरे सिक्योरिटी के लिए। जी ये है इंस्पेक्टर सूरज कौशिक, सेक्रेटरी सिक्योरिटी डिवीजन क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। मुंबई में आप सेफ नहीं, शहर के बाहर जाना होगा। कुछ लोग आपको किडनैप करके आईजी साहब को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। सर के ऑर्डर्स है कि हम आपको किसी सेफ जगह ले जाएं। फोन देना, मेरा फोन तो उसने कल रात को तोड़ दिया। गाड़ी चलाओ। डैडी पुलिस वाले कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। नीरज तुम इस गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी ले आओ। डैडी कहां हो यू, मैं जाऊं उनके साथ। बेटा देखो जैसा वो बोल रहे वैसा करो तुम। ओके थैंक्स, चलो जी। ऊंचा सुनते हो, चलो। ओ मेरा बैग गाड़ी में है। हवादार बैग लेके आओ। हाँ धीरज हम लोग निकल रहे हैं, तुम जरा राधा से फोन पर बात कर लो। ओके ओके बेटा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। बेटी गई इनकी, समझ सकता हूं एक बाप का दिल। बहुत बुरा वक्त चल रहा है माथुर साहब, पता नहीं कहां होगी वो, किसके साथ होगी कुछ पता नहीं। वकील साहब अपनी अगली तारीख कब है? 18 फरवरी। 18 फरवरी बहुत दूर है, जेल में बैठे बैठे मैं आपकी क्या मदद कर सकता।
पाशा, तूने सुना हो कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान भी दे देते हैं, सुना है ना? हाँ, ये वाला बाप तेरी जान ले लेगा। तस्वीर खिंचाओ, साफ सुथरी, हाँ, अपनी शोक सभा के। वाह, आईजी ने कानून तोड़ा, अब खुद टूटेगा। सूर्या तक मैसेज भिजवाओ, उस लड़की पर अच्छी तरह नजर रखे, उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। Hey, मैडम, हम भी अंग्रेजी में गाली दे सकते, दे तो वाला मांगे आना भाई, दे। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठा रही, जेल हो जाएंगे ना। व्हाट पुलिस वाला है? I want to call my dad. Give me a good phone. हो गया। प्लेट ला। मैं चल हट। हाय, कुछ फ्रूट से और एक्स्ट्रा कंबल, बाहर ठंड है तो इसके। करे राउट, हाँ, ज्यादा अच्छी बनी की जरूरत नहीं है। कहाँ रखे हो मुझे? टैम्प, टोटी, गोल्ड, यहाँ पे तो यही मिलेगा। आजी साहब ने कहा है, इसलिए हम सब तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। ये कंबल और ये लो, खा लो। आई डोंट वांट दिस, मुझे फोन करने दो, नहीं तो। ये तो क्या? तुम फोन नहीं कर सकती, वो सिग्नल नहीं यहाँ पे। 18 फरवरी तक हम यहाँ पे रहना पड़ेगा। भूख लग रही होगी तुम्हें, प्लीज खाना खा लो। क्या हुआ? सबके साथ खाती हूँ, अकेले खाने की आदत नहीं है। बेटी हुई है। मेरी दादा को वापस ले आओ प्लीज, प्लीज। तुम कुछ भी करो, वो जो कह रहे कर दो, हम दादा को नहीं खो सकते। नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाले के बच्चे थोड़ी कोई। राधा को, please.
देख रहे हो तुम्हें मिल गई क्या? क्या क्या कर रहे हो? आपको ही तो ढूंढ रहे थे जी। अरे दीदी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहा रही थी। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी। इसको नाना बोलते जी? फ्रेंच बाथ। फ्रेंच बाथ? फ्रांस में लोग ऐसे ही नहाते हैं। ओह गाली अंग्रेजी। फ्रेंच नहाना। अच्छा मैडम अगर हिंदुस्तानी की तरह नहाना है तो गर्म पानी अंदर मिलेगा। क्या है? पानी गरम। थैंक्स। कुछ नहीं। पानी कम है, साथ में नहाना है। नहीं नहीं नहीं। अरे पानी। स्टॉप सूरज। इधर से इधर से इधर से इधर से गांगू सलीम। हाय हाय। वो गांगू और सलीम कहाँ है? शायद बाजार गए। रथोड़ी भी? हाँ। तो इसका मतलब हम दोनों अकेले हैं? हाँ। थैंक्स। ओके। मेरा मतलब है इतना ध्यान रखते हो तो मेरा ना, इसलिए थैंक्स। You must be thinking, कहाँ फंस गया मैं? But
बॉम्बे जाने के बाद तो यू'ल गेट सॉर्ट। वैसे भी मैं पेरिस जा रही हूँ, डांस स्कॉलरशिप, वहां तो तुम्हें डैड नहीं आने देंगे। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो होगी, वो तो तुम्हें कभी आने नहीं देगी। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रियली? मेरा मतलब है, क्यों? पुलिस वाला हूँ, काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो गर्लफ्रेंड कहाँ से मिलेगी? But suppose तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए, तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद आएगी? मुझे तो थोड़ी छोटी सी, थोड़ी मोटी सी, इसके बाद वाह वाली ठीक है, सेम कलर। अच्छा सुनो, अगर कोई हो तो ना प्लीज बता देना। क्या दाजू पतंग उड़ा रहे हो क्या? पतंग नहीं, मजाक उड़ रहा है गरीब आदमी का। कहते रोटी कपड़ा और मोबाइल देंगे, नेटवर्क क्या खेत में लाएंगे? सर सर सर, बोलेंगे जम्मू से इंफॉर्मेशन है, सूरज का साथी है वो, रथोड़ी नाम है उसका। हाँ धीरज बोलो। डैड राधा मिल गई। एक और रात, एक और बॉटल, नो चेंज। चेंज कर लेते हैं, अब इस तरफ सो जाते हैं। मेरा बॉटल किधर है? खत्म। ये भी खत्म। अब क्या? आज पता है क्या है? आज फ्राइडे। नहीं स्टूपिड, आज का दिन कौन सा दिन है? हे सलीम, अरे भाई सलीम सलीम, आज दिन कौन सा यार? आज तो ड्राइडे ना जी। अरे नहीं, आज वैलेंटाइन्स डे है। आज पता है क्या करते? अपनी वैलेंटाइन का हाथ पकड़ते, उसकी आंखों में आंखें डालते हैं और उसके होठों को हेलो मिस्टर वैलेंटाइन। गंगू,
के लोग हाँ चले राधा कहाँ है राधा कहाँ है चंडीगढ़ से अभी तक चॉपर निकले नहीं सर मैंने किया था नहीं करेगा उसे जिंदा पकड़ना है ऑल यूनिट्स क्लोज इन बट नो फायरिंग आई रिपीट नो फायरिंग छोड़ना मत कभी नहीं श्रीकांत माथुर की बेटी राधा माथुर और उसके किडनैपर सूरज कौशिक की बॉडीज अभी तक नहीं मिली हैं। सूरज कौशिक के चार साथी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। बहुत पर्सनल कर दिया तुमने आई जी। चार ही दिन रह गए। कोर्ट नहीं पहुंचेगा वो। आईजी की बर्बादी की शुरुआत उसी की मौत के साथ होगी। वो लड़का उसे अभी तक होश नहीं आया है। बुद्धा जी मैं एक मन्नत मांगना चाहती हूँ।
को ठीक कर लो ना प्लीज। मैं सब बुरी आदत छोड़ दूंगी, नॉन वेज खाना, गुस्सा होना, बैड लैंग्वेज तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आई प्रॉमिस। और ठीक है, ड्रिंक्स भी छोड़ दूंगी, और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मैं उसे कह दूंगी कि आई लव यू। लेकिन तुम इतना एटीट्यूड दिखाते हो ना, मैं बोल ही नहीं पाई। लेकिन मैं अब डिसाइड कर चुकी हूं, जब तुम होश में आओगे ना तो मैं तो कब से सुन रही थी मेरी बात? आई लव यू से। क्या है यार तुम, अच्छा सुनो, मुंबई पहुंचते ही तो मेरे साथ घर चलना, डैड से इंट्रोड्यूस कराना है। द थिंग इज ना, मैं अपने डैड से कुछ नहीं छुपाती, तो हम जाते हैं उनको हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, सब फिट हो जाएगा। वैसे भी वो मेरी शादी एक पुलिस ऑफिसर से करना चाहते हैं। तो तुम अभी कर लो ना बात अपने डैड से, 2 घंटे बाकी है फ्लाइट के लिए। Wow, I thought तुम तुम्हारा usual this is not possible भाषण दोगे। हेलो 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 भाभी भाभी, हाँ मैं राधा, कौन, कैसे हो, कहाँ हो तुम? भाभी मैं ठीक हूँ, लेकिन लेकिन वो पुलिस वाला, उसे चोट लगी है। पुलिस वाला? किसी ने कोई पुलिस वाला नहीं भेजा? अरे भाभी वो सिक्योरिटी टीम जिसे मुझे 2 हफ्ते से प्रोटेक्ट कर रहे। वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो पाशा के आदमी है। They've kidnapped you. Listen, you just do something. देखे जो ख्वाब थे, गिरे जो आँख से, सुबंदे दिन पहला, टूटे जो आईने, सच आया सामने, तू ही मुझे याद आ। क्या मैं हूँ हीरो तेरा, रहे थे तुम वापस क्यों आ गई? सब कुछ जानने के बाद भी देखो, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो सूरज? आई नीड एन आंसर। तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, जस्ट टेल मी द ट्रूथ डैम इट। तुम सच जानना चाहती हो, मुझसे सुनना चाहती हो ना? तो सुनो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। I don't care. Just tell me you love me. अरे राधा, एक गुंडा आईजी की बेटी से प्यार कैसे कर सकता है? पागल हो क्या तुम? तुम्हारी ऊपर की स्टोरी पूरी खाली है क्या? जब तुम पैदा हुए थे तो क्या लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को बोला था कंग्रेट्स, तुम्हारे वहां गुंडा पैदा हुआ है? राधा, मैंने तुम्हारा किडनैप किया है, मैं अब तो गुंडा हूं ना, पकड़ा गया तो जेल होगी। कैलकुलेट किया है कितने दिन के लिए अंदर जाओगे? देखो, किडनैपिंग के लिए 2 साल, और कुछ बड़ा किया है? नहीं। कूल, तब तो ऑल कंट्रोल डिलीट दबा दो। क्या? पास को डिलीट करो, अब सरेंडर करो। लेकिन राधा तुम मुझसे प्यार करते हो ना? कई दिनों से लापता आईजी श्रीकांत माथुर की लड़की राधा माथुर के अपहरण और हत्या
हत्या का आरोप सूर्यकांत पाशा रनाडे पर लगाए गए। तो क्या आज का ये दिन जेल के बाहर पाशा का आखिरी दिन होगा? धीरज मैं तुझे, क्या हुआ राधा? कौन से क्या बोलो? डैड उसी का फोन, राधा जिंदा है, बात हुई से भी? राधा देखो ना मुझे, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, सब बदल गया ना। हे राधा, मजाक कर रहा हूं, बता दो ना सूरज, जो जानना चाहते बता दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं राधा, मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करूंगा, लेकिन पुराने रिश्ते तोड़ के, नए रिश्ते नहीं बनाए जाते। लेकिन सूरज, क्या रिश्ता है तुम्हारा पाशा से? उसको क्यों बचा रहे हो? He's a criminal. पापा है वो मेरा, सूरज पुलिस कस्टडी में है, आईजी खुद उसकी पूछताछ कर रहा है। 14 साल तक उसे पाला, 14 दिन में
पूरे दिन आएंगे। मिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीज कॉल योर फर्स्ट विटनेस। मिलॉर्ड, द स्टेट कॉल्स दादा माथुर टू द स्टैंड। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। मैं कहना चाहती हूं कि सूरज बेगुनाह है। मिलॉर्ड, विटनेस टर्न टू होस्टाइल, वी नीड अ फ्रेश डेट। ऑर्डर, ऑर्डर। मेरा किडनैप हुआ। मिलॉर्ड, विटनेस टर्निंग टू होस्टाइल, वी नीड अ फ्रेश डेट। सूरज ने मुझे किडनैप किया, मगर 14 दिन तक उसने मेरी हिफाजत की। मेरे कहने पे सूरज ने खुद सरेंडर किया। वो बदलना चाहता है, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। और शायद आप उसे एक मौका दे सकते हैं। अगर आपने मुझे इसलिए मारा कि मेरी वजह से आपको कोई चोट पहुंची, फिर आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपने मुझे मारा क्योंकि मैं सूरज से प्यार करती हूं, तो मुझे फिर से मारिए। बेला, बहुत समझदार हो गई तुम्हारी बेटी। हाँ बेला, ढूंढो कोई लड़का जो तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए। रणविजय शेखावत मेरा जूनियर था कॉलेज में, राजस्थान की एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। आजकल पेरिस में है, आई थिंक एमबीए कंप्लीट कर रहा है। लास्ट ईयर इंडिया आया था कॉलेज रीयूनियन के लिए, वहाँ राधा से मिला था। और मॉम ये अक्सर राधा के बारे में पूछता रहता है, आई थिंक ही लाइक्स। और अपनी राधा भी कोर्स के लिए पेरिस जा रही है, ये दोनों वहाँ मिल सकते हैं। इफ एवरीथिंग गोज राइट देन जी तुम शेखावत है, कॉलेज में मेरा जूनियर था। डैड, राधा का पेरिस जाना बहुत जरूरी है, ये सब भूलने के लिए, उसे भूलने के लिए। भैया, I can't believe you're doing this। अरे, बचपन से तुझे बचाने के लिए झूठ बोला है, आज फिर बोल दिया, तो क्या हुआ? देख राधा, तू रणविजय का टेंशन मत ले, वो राजस्थान का युवराज तुझे कभी नहीं मिलने वाला। और वो है कहाँ ये भी नहीं पता मुझे। हाँ, पेरिस और इंडिया में नहीं है इतना पता है, तो तू आराम से पेरिस जा। भैया, यू आल्सो सॉरी 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 बैड 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 लिसन टू, सूरज 2 साल के लिए जेल गया है। इस बीच अगर कोई और लड़का तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या करोगी तुम? भाग जाओगी? सुसाइड नोट लिखोगी? प्लीज अंडरस्टैंड, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि डैड भी तेरी तरह बहुत जिद्दी हैं और आजकल वो तो उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, तेरी बात के खाक समझेंगे। हाँ, 2 साल के बाद
things are going to be different. So if you want this love story to work, then buy yourself some time. Go to Paris, Anna. Listen to me. Just go to Paris. क्या थोड़ी कह रहा था कि तुम भाई बोलने आई हो? देखो सूरज, भैया कह रहे कि मैं पेरिस चली जाऊं। उन्हें लगता है तुमसे दूर जाकर मैं ये सब भूल जाऊंगी, तुम्हें भूल जाऊंगी। लेकिन सूरज, उन्हें ये नहीं पता है कि मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस लिया है। जिस दिन तुम जेल से निकलोगे, बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। सूरज, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। ना ही तुम्हारे डर रहा था। हमारे बीच दूरियां हैं, इन जेल की दीवार की वजह से नहीं है, हमारी लाइफ की सच्चाई की वजह से। और सच ये है राधा, तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। मैं उसका हिस्सा कैसे हो सकता हूं? तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे भैया और फैमिली की बात माननी चाहिए। और तुम्हें अपनी दिल की बात माननी चाहिए सूरज। ए सूरज बाबा, एक स्माइल तो देके जा यार, नहीं तो 2 साल तक तेरी रोंदी शक्ल याद आएगी। मैं इनके अच्छे व्यवहार